अभी रिसेंटली हरनूर केम टू इंडिया एंड वो हैदराबाद आए थे एंड फिर हम दोनों मिले एंड इट वॉज वेरी 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 फन. काफ़ी सारी बातें करी हमने एंड एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया कैंडिड सा. ही इज़ वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट एज अ रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मतलब वो US में काफ़ी जगह घूमते रहते हैं, वहाँ से काम करते हैं. कभी इंडिया में आए तो जैसे इंडिया से काम कर रहे थे. सो ही हैज़ शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस एज अ रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी लाइक फैंग लेवल कंपनीज में. सो उसके बारे में हमने डिस्कस किया, अलग अलग स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया, टैक्सेस के बारे में डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी. सो डेफिनेटली चेक इट आउट फुल एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, आप लोगों को मज़ा आएगा सुन के. इसके अलावा यार मेंटरशिप लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड इफ़ यू हैव नॉट हर्ड अबाउट प्री प्लेस्ड डेफिनेटली चेकआउट करके आना है. एंड वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप मेंटरशिप सेशन हो रहे हैं इस वीकेंड, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दम आउट. पीपल हु आर टेकिंग द ग्रुप मेंटरशिप सेशन आर पीपल हु आर वर्किंग एट द टॉप कंपनीज एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ दे आर शेयरिंग देयर वैल्यूएबल लाइक एक्सपीरियंस एंड इन्फॉर्मेशन विद यू गाइस. एंड इफ यू आर फ्रॉम अ टीयर टू टीयर 3 कॉलेज एंड आपको कॉलेज में कोई मेंटर नहीं मिल रहा, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट प्री प्लेस. यहाँ पे आपको बहुत सारे मेंटर्स मिल जाएंगे आपके ड्रीम जॉब, ड्रीम कंपनी या फिर ड्रीम प्रोफाइल के लिए. आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, यू कैन हैव अ लॉन्ग टर्म मेंटरशिप विद देम लाइक 3 to 6 months. द लिंक टू ग्रुप मेंटरशिप सेशन एज वेल एज प्री प्लेस विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, जाके आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं. एंड इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन एल्गो प्रेप. वी हैव स्टार्टेड आवर फर्स्ट क्लास ऑन 17th एंड ऐसे वील गो ऑन. वी हैव सो मेनी अनाउंसमेंट्स फॉर यू गाइज, वो हम आगे 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 करते रहेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Hi Harnoor, welcome to the channel. And well, like if you don't know Harnoor, jo ho nahi sakta, but he is also working as a software engineer at Microsoft and he is based out of Atlanta. Abhi he is moving kafi zyada and he makes a lot of vlogs. Kafi zyada vlogging karte hain, alag alag Microsoft ke offices gaye hain, alag alag in general kafi sare offices gaye hain. So can you just tell us ki how has your experience been ki alag alag office mein kaam karne mein as a remote engineer kaam karne mein at Microsoft, how does it feel? सबसे ज़्यादा तो मेरा रीज़न ट्रैवल का ये है कि मुझे लगता है कि ट्रैवल करके मैं ज़्यादा चीज़ें सीखता हूँ जो मुझे कोई बुक नहीं सिखा सकती. अभी आई केम टू हैदराबाद ऑफिस एंड मैंने 10 लोगों से बात की, उनका एक्सपीरियंस पूछा. आई लर्न सो मच जो कोई बुक, कोई न्यूज़ आर्टिकल मुझे बता नहीं सकता. सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग प्रॉबेबली लाइक एटलांटा, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, सियाटल, सिलिकॉन वैली एंड देन हैदराबाद एंड बैंगलोर, पता नहीं शायद 7-8 ऑफिसेज होंगे. इतने ऑफिसेज देखने के बाद आई कैन से कि सब ऑफिसेज के एक्सपीरियंस, सबके नेचर, सबकी एनर्जी लेवल, एवरीथिंग इज डिफरेंट. एंड हैदराबाद इज वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्स वन. स्नैक ब्रेक पे भी लोग आधा घंटा लगाते हैं आराम से रिलैक्स करके स्नैक्स, एंड देन लंच पे भी 1-1.5 घंटा आराम से, एंड द डिनर भी 1 आवर. एवरीथिंग इज वेरी रिलैक्स एंड वेरी कैजुअल. बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा. राइट बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है. प्लस एक ये दिस इज द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट, सो एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फिर से, बिकॉज जुलाई से एवरीथिंग इज स्टार्टिंग ना, तो वर्क ओके आर सब बन रहे हैं, इट्स जस्ट द सेकंड वीक, तो इसलिए और ज्यादा लोग रिलैक्स हैं. जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो पीपल विल स्टार्ट हैविंग वर्क, बट इन जनरल पीपल कम विद देयर टीम एंड फ्रेंड्स फॉर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि काम वो घर पर कर लेते हैं, बिकॉज इट्स मोस्टली हाइब्रिड. 2 या 3 दिन पीपल कम टू ऑफिस एंड वेन दे आर एट होम दे मोस्टली वर्क या फिर घर जाके काम करते हैं. सो ऑफिस में एवरीवन इज वेरी चिल कि चलो कोई नहीं, अब ऑफिस आए हैं तो थोड़ा लोगों से बात कर लेते हैं. And it's mostly for that. Absolutely. और लोगों से पूछो कि what is your favorite thing about Hyderabad? आपको क्या लगता है? So Hyderabad में mostly what I like is the like infrastructure जो इस वाले area में like high tech and Gachibowli वाला area is very well developed. The roads, the buildings, everything is too good. The green and greenery भी है उसके साथ. It's not just कि बस concrete buildings या फिर वो trees आपको आसपास दिख रहे हैं. There are green trees. The campus is too green in fact and सब कुछ बहुत अच्छा सा है, सुकून सुकून सा, साइलेंस. आपको कहीं पे भी जाना है आपको बहुत साइलेंट मिलेगा. रोड ज़्यादा भरे हुए नहीं होते, देर आर नॉट मेनी पीपल ऑन द रोड एंड ट्रैफिक थोड़ा सा कम मिलता है कम्पेयर टू अदर सिटीज. बिल्कुल मिलता तो है बट थोड़ा कम मिलता है. मुझे बिल्कुल नहीं दिखा अब तक, बिकॉज वी आर एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद. अब यहाँ से थोड़ा सा भी हम अंदर जाएंगे यू स्टार्ट फाइंडिंग ट्रैफिक, बट इस वाले एरिया में तो बिल्कुल नहीं होता. एंड व्हाट डिड यू लाइक अबाउट हैदराबाद? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हैदराबाद की एनर्जी लेवल. सो बेसिकली द मोमेंट आई केम हियर हर कोई ऐसे भाग दौड़ में नहीं लगा हुआ कि यार मुझे भाग के इधर रोड क्रॉस करनी है. हर कोई आराम से बैंगलोर, अभी मैं बैंगलोर से आया, एवरी वन इज इन रश. लाइक अगर मैं रोड भी क्रॉस कर रहा हूँ को ऐसा लगता है कि एवरी सिंगल सेकंड कोई मुझे कुछ चल देगा. बट हैदराबाद में जब आप रोड क्रॉस करते हो दो तीन इंच पहले रुकते हैं, बैंगलोर में आधा इंच पहले रुकते हैं. सो लाइक दैट एनर्जी एंड वेलकम. जैसे ऑटो से मैं आया लाइक ही ट्राइड टू टॉक टू मी सो मच मोर, तो ये मुझे लगा कि बहुत ही काम है. एंड एज कम्पेयर आई मीन और क्या कंपेयर कर सकता हूँ, अभी इट्स माई फर्स्ट डे मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट आई कैन टेल यू कि कल मैं फिल्म सिटी जाने वाला हूँ मुझे शायद ज्यादा पता चले. राइट फॉर श्योर. एंड यू हैव बीन टू बैंगलोर आल्सो, जैसे ये बैंगलोर के लिए तो मैं भी बोल सकता हूँ दैट सिटी इज ऑलवेज इन अ हरी.
एवरीवन इज लाइक कि मेरे को आज ही सब कुछ करना है. सो समटाइम्स इट्स गुड आल्सो. जैसे यहाँ पे मोस्टली पीपल आर सेटल्ड, लाइक इफ दे हैव अ फैमिली या फिर उनको इसी कंपनी में रहना है, ज्यादा स्विच नहीं करना है, तो दे कम टू हैदराबाद एंड यहाँ पे अपना सेटल हो जाते हैं. बैंगलोर में एवरीवन इज मूविंग, सो इट्स नॉट फिक्स कि एक छह महीने बाद कहाँ होगा कोई. सो दैट इज ऑल्सो अ थ्रिल. अगर आपको वो पसंद है, यू कैन जस्ट गो टू बैंगलोर, एक्सप्लोर दैट. मतलब इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दिल्ली एंड बॉम्बे. आई फील समटाइम्स बॉम्बे इज टू दिस, मतलब बहुत ज्यादा रश, बहुत ज्यादा भागना, बहुत ज्यादा वो. एंड दिल्ली में भी यही है. हैदराबाद इज टू साइलेंट. बिल्कुल. सो वहां पे आपको मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल जाता है, प्लस द वेदर इज वेरी गुड. सो आपके दोस्त ने भी बताया कि इट्स समटाइम्स टू साइलेंट, उसका मतलब क्या है बताना? हैदराबाद आप कहीं पे ट्रिप्स पे नहीं जा सकते, कुछ भी आसपास नहीं है. अगर आपको कहीं पे भी जाना है, you will have to take a flight. And minimum if you want to drive, it'll take 12 to 14 hours to reach anywhere. So that is थोड़ा सा difficult. और बैंगलोर में on the other hand, 6 hours के आसपास आपको बहुत सारी जगहें मिल जाएंगी. Like even 3 hours, 4 hours drive, you will find a lot of things, lot of places you can go. So उस मामले में it's very good. मतलब and वहाँ पे जैसे fast pace लोग हैं, तो जगहें भी बहुत सारी हैं घूमने के लिए. यहाँ पे you will find 10-15 places to eat. वहाँ पे you will find hundreds of places to eat. That is a major difference. ये तो है, ये तो मैं मानता हूँ. And what do you feel about Atlanta? Like how has the tech culture been there? क्योंकि mostly हमें US में तो Silicon Valley का ही पता होता है कि वहाँ पे ही ज़्यादातर companies हैं, Microsoft Redmond में, तो मतलब but it's the same area या फिर San Francisco में ज़्यादा है. But how is Atlanta का tech scene? बिल्कुल. I think Atlanta is like Hyderabad. तो अगर compare करते हैं, start करते हैं, अगर Bangalore is Silicon Valley, Bangalore में traffic बहुत ज़्यादा, Silicon Valley में बहुत ज़्यादा है, California में, और it is टोटली टेक. अगर आप किसी कैफे में जाओगे, किसी दूसरे बंदे से जाओगे, वो एवरी अदर पर्सन इज टेक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर, हर दूसरा बंदा टेक. सेम एज बैंगलोर. और अगर आप एटलांटा की बात करो, वहाँ पे है कि टेक साइड भी है एंड ऑन द ब्राइटर साइड दूसरे लोग भी मिलते हैं who are not in tech. तो देयर इज अ बैलेंस. और उस इट हैज अ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट. एटलांटा को बोला जाता है कि इट इज लाइक न्यूयॉर्क में एक ना पार्ट है विच इज फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे मैकेंजी, जहाँ पे जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सारे बैंक्स हैं. और वैसे ही एटलांटा में ऐसी चीज़ें हैं, तो उसे एटलांटा को फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं. सारी कंपनीज हैं, तो उसमें सिटी जैसे बेनिफिट्स भी है और बिग सिटी वाली प्रॉब्लम्स नहीं है. So it is a balance. वही same. Because यहाँ पे भी financial district है. You will find banks, you will find ये अपने जितने भी financial institution वाले companies हैं, you will find those also in Hyderabad. बिल्कुल. And same, बिल्कुल. I think it's pretty much the same thing. कि यहाँ पे tech companies भी हैं, यहाँ पे finance companies भी हैं. And यहाँ पे balance है भी. It's not Silicon Valley. And if you consider like New York को financial वाला, तो that is comparable to Bombay, I would say. कि Bombay में most of the fintech companies are there. जितने भी big names हैं, सारे वहाँ पे. And same state है. जी जी. बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, everyone is rushing, and same as with New York. और प्रॉब्लम ये है कि एटलांटा में भी इतना कुछ करने के लिए नहीं है जितना हैदराबाद. सो सेम चीजें हैं कि लाइक अगर आप न्यूयॉर्क चले जाते हो, देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स टू डू. और बैंगलोर में भी इतनी सारी चीजें, मुंबई में भी इतनी सारी चीजें, हैदराबाद में इतनी नहीं है, वैसे एटलांटा में इतनी नहीं है. And what is the tax scene in general? Like, कुछ benefit ज़्यादा मिलता है still, like in Atlanta than Silicon Valley या फिर New York comparatively? नहीं, hands down, stack, मतलब अब salary की बात करें, मतलब taxes का I'm asking. Sure, salaries तो hands down सबसे ज़्यादा है Silicon Valley में, फिर उसके बाद New York, फिर बाकी आसपास equal. But living expenses वगैरह भी are more in New York and Silicon Valley, right? But अगर depend करता, अगर आप एक family हो और आपको घर खरीदना है, तो I think आपको डिसाइड करना पड़ेगा थॉटफुली. आई कैन नॉट आंसर ऑन दैट. बट अगर आप सिंगल हो, हम दोनों की तरह, अगर आपने आपको रेंट करना है, ठीक है, तो बैंक में कितना पैसा सबसे ज्यादा बचेगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन. अगर आप सिलिकॉन वैली में रहते हो, सबसे ज्यादा बचेगा. न्यूयॉर्क में रहते हो, उससे थोड़ा कम. एटलांटा में रहते हो, सबसे कम. बिकॉज वेन दे डिसाइड कि कहाँ पे ज्यादा सैलरी देनी है, दे डिसाइड बेस्ड ऑन कि आपको घर खरीदना है कि नहीं. वो भी कंसिडरेशन में डालते हैं. तो अगर घर नहीं खरीदना, तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कहाँ पे बैंक प्लान ज्यादा. So, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन वैली में ही होता है. बिल्कुल बिल्कुल. Then, मतलब why did you not, why don't you switch to सिलिकॉन वैली? ऐसा कुछ है रीज़न या फिर एटलांटा बहुत पसंद है, you just love? नहीं, वो दोस्त छोड़ने का मन नहीं था, रिलेशनशिप छोड़ने का मन नहीं था पीछे. तो जैसे ही आप एक सिटी में इतना इवॉल्व होते हो, वहाँ से लगाव ज्यादा हो जाता है. फॉर श्योर, बिकॉज कॉलेज भी वहीं पे, फिर उसके बाद फर्स्ट जॉब भी वहीं पे 2 साल, एंड अब भी वहीं पे. तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. बट जैसे आपने अंडरग्रेड किया एनएसयूटी, हां राइट, एनएसयूटी इट्स सेम राइट. तो आपने 4 साल स्पेंड
स्पेंड किए आपके ज्यादा लगाव है, मैंने वैसे 4 years स्पेंड किए लगाव ज्यादा है, पर जो लोग मास्टर्स करने आते हैं ना यूएस के लिए एक दो साल एक साल ही होता है मोस्टली, तो उनका इतना लगाव नहीं होता, उनके लिए मूव करना इजी होता है, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। It's been 7 years for you. Yeah. 7 years के बाद तो move करना सब चीजें फिर से scratch से start करना है. It was difficult for me also. Hyderabad आना सब कुछ फिर से scratch से start करना. And I feel कि being an adult making friends is much more difficult than being a like college kid. बिल्कुल. क्योंकि वहाँ पे आप बस दोस्त बना लेते हो. You don't think about profit loss या फिर कुछ भी नहीं आता दिमाग में, बस दोस्त बन जाते हैं. बट वेन यू बिकम एन अडल्ट तो और सब लोग कुछ ना कुछ सोच के ही फ्रेंड्स बनाते हैं एंड बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं. ये तो बिल्कुल सही कहा. जब कॉलेज में होते हैं लाइक मेन मोटिव इज एग्जाम्स क्लासेस और चिल करने के लिए. अब मोटिव डिफरेंट है नेटवर्किंग के लिए जॉब के लिए नेटवर्किंग के लिए और कुछ सीखने को मिल रहा है इससे नहीं मिल रहा है. कुछ लोग फ्रेंड्स चिल के लिए भी बना लेते हैं. सो एवरीवन हैज सम मोटिव बिहाइंड. तो जो मस्त वाले दोस्त बनते हैं दे आर मोस्टली इन कॉलेज और स्कूल एंड उसके बाद इट्स जस्ट प्रोफेशनल टाइप्स. इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड, यू कैन फाइंड, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू कॉलेज या स्कूल. एंड जैसे ट्रैवल कर रहे हो आप इतने टाइम से, यू हैव बीन गोइंग अराउंड इन यूएस अलग अलग जगह पे, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू लव अबाउट दिस, मतलब क्यों करना पसंद है एंड कब तक कंटिन्यू करने का प्लान है? मुझे करना इसका पसंद है बिकॉज आई लर्न मोर बाय ट्रैवलिंग. मैंने अपनी जिंदगी में जितना भी यूट्यूब कंटेंट बनाया वो आधे से भी ज़्यादा, आई थिंक 80% से भी ज़्यादा लोगों से बात करके सीख के फिर बनाया है. कुछ भी मैंने बुक्स नहीं, मैंने लाइफ में बहुत कम बुक्स पढ़ी है तो आर्टिकल्स भी बहुत कम पढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि बात करके ज़्यादा सीखने को मिलता है. और जब आप ट्रैवल करते हो आधे बिजनेस आइडियाज आते हैं, आपको पता चलता है कि दिस ह्यूज डिफरेंस हाउ थिंग्स वर्क. तो मतलब जैसे कि न्यूयॉर्क में जाते हो हर दूसरे कदम पे मुझे स्टार्टअप दिखता है. डोसा मैन है वहाँ पे 300 लोग लाइन, 3 घंटे की लाइन है, लोग वहाँ पे स्टार्टअप आइडिया जाके एक्सप्लोर करते हैं. वहाँ पे पता है लोग लाइन में खड़े खड़े लोग बर्फी बेच रहे हैं, कहते कि वो इतनी बिक्री की लाइन में लोग घंटों से खड़े हैं. तो दीज आइडियाज यू गेट ओनली बाय ट्रैवलिंग. तो मुझे ये एक्सप्लोर करना सबसे ज्यादा पसंद है एंड आई लर्न. मुझे लगता है कि एक पॉइंट के बाद आई विल बी डन विद इट, तो अभी मुझे लगता है इज द राइट टाइम. हाँ मतलब when you grow up तो you'll be like कि यार छोड़ो क्यों करना है, it's too hectic in general. Travel is not easy. वो दिखता वीडियो के उस साइड बहुत easy है, but it's taxing कि इतनी मेहनत, मतलब फ्लाइट लेना, वहाँ जाना, searching for places to live and फिर वहाँ जाके adjust करना, खाना adjust करना, there are बहुत सारी चीज़ें in the back जो in general नहीं पता चलती हैं, but it's difficult, it's not easy. जो भी जितने भी travel influencers हैं, travel जो करते हैं, it is very difficult for sure. इट्स टोटली, मतलब अभी जितना मैंने पिछले 6 दिनों में 5 flights लिए, आई कैन फील कितनी वीकनेस आती है. राइट. एंड वो फ्लाइट लेना इज नॉट डिफिकल्ट, बट वो फ्लाइट के अंदर बैठने तक की जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. वो सेम सिक्योरिटी चेक इन से गुजरना, बार बार सारी चीज़ें निकालना, एंड बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर हमारे पास चीज़ें इतनी सारी होती है कि वहीं पर हमें बहुत टाइम लग जाता है. बिल्कुल. इंडिया में एक ही केबल निकलवाते हैं, यूएस में आपको सिर्फ लैपटॉप निकालना है. हाँ वो है, यहाँ पे इंडिया में तो कोई कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यू हैव टू रिमूव और फिर वापस ऐसे डालो. और मेरा इसी चक्कर में हेडफोन भी ऑलमोस्ट घूम गए थे, तो वो अब वापस आया. मतलब इट्स अ पेन, आपको हर वक्त अपने सामान की तरफ ध्यान रखना पड़ता है. भाई. But yeah, it's good to have you. मतलब I have been following you for like 3-4 years now, honestly. And when Harnoor joined Microsoft, before he uploaded the video, I searched his name in on Teams because मेरे को थोड़ा थोड़ा idea लग गया था that he's going to join. So I searched him, I texted him, we connected. उसके बाद और भी बार भी connected. Then he like told me he's coming to India, Hyderabad, we'll meet. And finally we met. It was really nice like talking to you. He was the first person to meet, DM me on Teams. Yeah. Figured out कर लिया easily. मतलब being a content creator, I know why he is doing some things. वो छोटी-छोटी चीजें you can pinpoint and like know कि क्या हो रहा है, कैसे he is, why he is adding M Microsoft everywhere. He is saying Fang M. And not just Fang. So I figured out and yeah, we started talking उसके बाद. So it was really fun. Brilliant. Thank you so much for having me. Hyderabad आके बहुत अच्छा. Great. Thank you. Thank you so much for watching this, yaar. And yeah, follow Harnoor if you don't. Till the next video. Bye.